लोगों को पानी देना भी क्या था, हमारे कस्टम, हमारे कल्चर से उसको पाप माना गया था। और उसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 20 मार्च 1927 को एक सत्याग्रह करना पड़ा। उस सत्याग्रह का नाम क्या था, महाचौदार तलाब सत्याग्रह। यूनो में जब मैं गया, यूनो में हमारा फाइनल डिस्कशन हुआ, क्या ये 3 दिन की हमारी जो चर्चा चली, 200 देश के राष्ट्र प्रमुख आए थे, अलग अलग एक्सपर्ट आए थे, और यूएन जनरल सेक्रेटरी ने उस कंक्लूजन स्पीच में कहा, व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी, पानी क्या है, ह्यूमैनिटी, पानी मानवता के लिए है, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने मेरे कंक्लूडिंग स्पीच में भी कहा क्या, द पॉइंट एंड द कंक्लूजन दैट वी आर मेकिंग इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी इन माय नेशन, द रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन एंड वाटर एस्टैब्लिश्ड बाय द डॉक्टर अंबेडकर 1927 एंड देन दे वाज स्टार्टेड द महासत्याग्रह, लेक सत्याग्रह, एंड दिस डे वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज ए 20 मार्च वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज ए वर्ल्ड राइट्स टू वाटर डे। तो मैंने कहा कि आई एम अपीलिंग टू द ग्लोबल लीडर्स, सेलिब्रेट 20 मार्च एज ए वर्ल्ड राइट्स टू वाटर डे। जब तक लोगों को पानी का अधिकार नहीं देंगे और पानी की जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे, तब तक पानी गंदा होता रहेगा। जो गंदा कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, और पानी साफ सुथरा नहीं आ रहा है लोगों को, उसके ऊपर भी एक्शन होने चाहिए। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यूएन में ये अपील की और लोगों ग्लोबल लीडर्स को कहा कि आप आपके नए देशों में राइट टू वाटर लेजिस्लेशन लेके आइए, और उसी लेजिस्लेशन लाने के लिए हर साल हम 20 मार्च ये दिन जो है वर्ल्ड राइट्स टू वाटर डे के तौर पे मनाते हैं। और मैं इस अवसर पर आप सभी से गुजारिश करता हूं, जहां जहां जिस जिस गांव में, जिस जिस बस्ती में, जिस जिस हॉस्टल में पानी नहीं आता है, वहां वहां लोगों ने पानी का आवाज 20 मार्च को बुलंद करने की जरूरत है, और लोगों ने आवाज उठाने की जरूरत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, और पानी हम सब मानते हैं जीवन है, पानी के बिन हम जी नहीं सकते। तो फिर इस देश के लोगों को राइट टू वाटर क्यों नहीं मिल सकता, और इसलिए इस देश के लोगों ने राइट टू वाटर मिलने के लिए सजग होने की जरूरत है। देखिए उस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में भारत के बहुत बड़े आज ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनका नाम है जस्टिस वराड़े साहब। इस ग्रांट बनाने के लिए वराड़े साहब हमारे साथ में, एडवोकेट देशमुख साहब हमारे साथ में थे, लॉ कॉलेज, एमपी लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट, इस सब ने मिलकर हमने ये लॉ, ये जो लेजिस्लेशन बनने वाला है उसका ड्राफ्ट बनाया है, क्या किस तरीके से ये एक्ट रहने वाला है। और कल 20 तारीख को हमने ये डे मनाया, तो पार्लियामेंट के एक ऑफिसर का मुझे फोन आया, अनुज कुमार उस ऑफिसर का नाम है, उन्होंने कहा सर आप जो मांग उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या हेल्प चाहिए, किस तरीके से इंडिविजुअल बिल पास हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको सबको गाइडेंस करने के लिए तैयार हूं, आप आके मुझे मिली। और शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे एमपी के, उन्होंने मुझे बुला लिया, और एमपी में किस तरीके से हम ला सकते हैं कानून, इसके बारे में चर्चा की। उसके साथ साथ मैंने यूएन में हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जो शेखावत जी है उनसे चर्चा की कि हम ये देश में ये कानून कैसा ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट के लिए सर आपको स्टेट्स के साथ कंसर्न करना पड़ेगा, तो आने वाले दिनों में हम स्टेट से भी कंसर्न करके लोगों को पानी का अधिकार देने का काम कर रहे हैं। उस अधिकार देने में आपका सबका सहयोग, आपका सबके साथ की हमें जरूरत है। इस देश के गांव को, इस देश के महिलाओं को, इस देश के सभी लोगों को पानी का। तो आज का ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सब लोग यहाँ इतने शांतता से बैठे हैं, बच्चों आप पर्टिकुलरली बहुत देर तक बैठे, मेरे आधा घंटा मेरे को दिया था, मगर अभी क्या है वो आधा घंटे का मेरे ख्याल से एक घंटा हो गया होगा। लॉ कॉलेज में मेरा स्पीच है 11 बजे, मेरे को लगता है 11 बजे यही हो गए, 3 बजे एक स्पीच है, 3 बजे एक स्पीच है, तो
कंटिन्यू आज मेरे दिन भर स्पीचेस है, मगर जब बात पानी की होती है तो बारिश को कोई रोक नहीं सकता, कब खत्म हो जाएगी, उस तरीके से ये बारिश होती रही। आप सबके प्रति मुख्य अभियंता, जो कि इस हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये ऐसे भूमिपुत्र मराठवाड़ा को मिले हैं, जिन्होंने मैंने उनसे डिस्कस किया था, उन्होंने कुछ बड़े बड़े